जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज हम बकरे के पाए बनाने जा रहे हैं। ये पानी मैंने रख दिया है, पानी उबल चुका है। अभी इसमें मैं ये पाए डालूंगी। ये पाए डल गए और इसके अंदर हमने डालना है दो तीन प्याज मैंने काट के रखे हुए थे, ये डालने हैं, और टमाटर डालने, और ये लहसुन है, लहसुन मैंने काट के डाला है, ये अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा आता है। और एक स्पून इसमें जाएगा नमक, और एक स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और एक स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। जब ये पकेगा बाकी मसाले इसमें ऐड करूँगी, और इसको कुकर में लगेंगे 20-25 मिनट, 30 मिनट तकरीबन लग जाएंगे। फिर जब ये रेडी हो जाएगा फिर बाकी मसाले डालते हैं। अभी मैं ये कुकर बंद करने वाली हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये मैंने कुकर में पाए वगैरह चढ़ा दिए हैं, जो मसाले डालने थे वो भी डाल दिए हैं, नमक वगैरह। और जैसे ही ये पकेगा हाफ घंटा तो लग जाएगा इसको, और बाद में फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है इसका। रखीम, ये देखें पाए जो है वो गल चुके हैं, ये रेडी हैं। अभी इसका पानी निकाल के सेपरेट करना है हमने, और इसको भूनना है थोड़ा ऑयल डाल के, और फिर जो मसाले डालने हैं इसमें, बाकी ये रेडी है। तो अभी इसका मैं पानी निकालूंगी, फिर आपको बताती हूँ अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैंने पाए निकाल के तो कढ़ाई में डाले, अब इसमें ऑयल डालूंगी। ये हाफ कप ऑयल है, और इसमें थोड़ा इसको भूनेंगे कि इसकी स्मेल भी होती है पायों की, वो निकल जाएगी। और इसमें जो बाकी मसाले हैं वो भी ऐड करने हैं हमने, क्योंकि मसाले अगर हम साथ ही ऐड कर देते तो उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है पानी के अंदर, इसलिए हमने मसाले जो हमेशा एंड में ही डालने चाहिए। ये अभी ऑयल डाल के मैं इनकी थोड़ी बुनाई करूँगी, और बाद में इसमें इसका पानी डालूंगी। अगर आपको लगे कि इसका पानी कम है तो डाल सकते हैं, अगर थोड़ा आपको पानी नहीं पसंद तो ऐसे ही रखें, अगर पतला पसंद है तो पानी भी डाल सकते हैं। ये बकरे के पाए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, तो अब इसमें जो मसाले जाएंगे ये है हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून जो है गरम मसाला, ये इसमें चले गए मसाले। अभी इसकी खुशबू और भी तेज़ हो गई है। अभी ये अच्छे से भुन चुके हैं, और अभी जो ये बाकी मसाला ये अभी नीचे लग रहा है, जब मसाला नीचे लग गया तो समझो मसाला रेडी है। ये देखें ये नीचे लग रहा है। अभी मैं इसमें पाया का जो पानी है वो डालने जा रही हूँ। ये पानी पाया का है, इसके अंदर चला गया।
मैंने तो उनको जो है पानी रखना है। क्योंकि ज़्यादा ठीक नहीं चाहिए, थोड़ा पतला चाहिए। और अगर आपको नहीं पसंद तो थोड़ा पानी सुखा लें, नहीं है तो फिर ऐसे ही रहने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सालाना हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।